दोस्तों 2 जनवरी 2021 को हमने वीडियो बनाकर आपको बताया था कि बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर इनसाइड बार पैटर्न बना है। अगर बैंक निफ्टी इसे ऊपरी तरफ काटता है तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, और अगर बैंक निफ्टी से नीचे की तरफ तोड़ता है तो बैंक निफ्टी नीचे जाएगा। हमने बताया था कि हमें लग रहा है बैंक निफ्टी नीचे जाएगा क्योंकि बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर नेगेटिव डाइवर्जेंस बना है। हमने बताया था कि आप 31,600 के स्टॉप लॉस से बैंक निफ्टी को बेच सकते हो 28,900 के टारगेट के लिए, और अगर बैंक निफ्टी नीचे आएगा तो निफ्टी भी नीचे आएगा। तो हमने निफ्टी के बारे में आपको बताया था कि 14,100 के स्टॉप लॉस से आप निफ्टी को बेच सकते हो 13,100 के टारगेट के लिए। हमने आपको बताए हुए ये दोनों ट्रेड गलत गए, लेकिन दोस्तों हमें इसका बिल्कुल भी दुख नहीं है क्योंकि हमने दिए हुए ये ट्रेड की वजह से आप किसी को भी नुकसान नहीं हुआ होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया ऊपरी तरफ। हमने आपको क्लियरली बताया था कि बैंक निफ्टी ये पैटर्न से जहाँ पे भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देगा वहाँ पे ट्रेड लो। हमारा ट्रेड नीचे की तरफ था, लेकिन बैंक निफ्टी ने आप देख सकते हो ब्रेकडाउन दिया ही नहीं, उल्टा मंगलवार को बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया। तो आपको ट्रेड लेना था ऊपर की तरफ का। उसी तरह से निफ्टी को हमने बेचने को कहा था 14,100 के स्टॉप लॉस से, लेकिन सोमवार को जब निफ्टी खुला तो 14,100 के ऊपर ही खुला, तो हमारा दिया हुआ स्टॉप लॉस खुलने से पहले ही ट्रिगर हो चुका था, तो वहाँ पे बेचने का सवाल ही नहीं आता। 21 दिसंबर 2020 को निफ्टी के अंदर एक दिन के अंदर एक बड़ा फॉल आया था। निफ्टी ने अगले 3 दिनों के अंदर ये फॉल को पूरा कवर कर लिया, और दोस्तों इसके बाद अगले हफ्ते निफ्टी ने इससे ब्रेकआउट दिया। ये फॉल की वजह से निफ्टी का टारगेट आ रहा था 14,425 का। अगले हफ्ते निफ्टी के लिए सबसे पहला टारगेट 14,425 ही होगा। उसी तरह से बैंक निफ्टी भी अभी अपने लाइफ टाइम हाई के पास पहुंच चुका है। बैंक निफ्टी का लाइफ टाइम हाई आता है 32,610 के पास। तो अगले हफ्ते बैंक निफ्टी के लिए सबसे पहला टारगेट 32,610 होगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी अगले हफ्ते ये टारगेट हासिल करने के बाद उनमें बड़ी गिरावट की शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों डॉलर इंडेक्स भी अभी ब्रेकआउट के लिए रेडी है। और जैसे कि हमने आपको लगातार बताया है कि ये जो निफ्टी के अंदर बड़ा बुल मार्केट आया है वो डॉलर इंडेक्स में कमज़ोरी की वजह से ही आया है। तो अगर आने वाले कुछ महीनों के लिए अगर डॉलर इंडेक्स मजबूत होने वाला है तो निफ्टी के अंदर कमज़ोरी ज़रूर आएगी। लेकिन दोस्तों जैसे कि हम हर वीडियो से कहते आ रहे हैं कि ये बड़ी गिरावट की शुरुआत का कंफर्मेशन आने दो, क्योंकि चार्ट के ऊपर इसके संकेत क्लियर है, लेकिन कंफर्मेशन आना भी उतना ही ज़रूरी है। अभी जो आप वीडियो के अंदर देख रहे हो वो डॉलर इंडेक्स का डेली चार्ट है, और आप वीडियो के अंदर क्लियरली देख सकते हो डॉलर इंडेक्स ने उसके डेली चार्ट के ऊपर फॉलिंग वेज चैनल से एक क्लियर ब्रेकआउट दिया है। उसी तरह से हमारे कुछ पुराने वीडियो से हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स के डेली, वीकली और 4 घंटे के चार्ट के ऊपर एक क्लियर पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। जैसे कि आप देख सकते हो डेली चार्ट के ऊपर डॉलर इंडेक्स लोअर लो बना रहा है, लेकिन एमएसडी इंडिकेटर हायर लो बना रहा है। उसी तरह से वीकली चार्ट पर भी देखो, वीकली चार्ट पर भी डॉलर इंडेक्स लोअर लो बना रहा है, लेकिन एमएसडी इंडिकेटर ने डबल बॉटम बनाया है। उसी तरह से अगर आप डॉलर इंडेक्स को 4 घंटे के चार्ट पर अगर देखते हो तो आपको पता चलेगा कि डॉलर इंडेक्स के 4 घंटे के चार्ट पर ट्रिपल पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना है, यानी कि डॉलर इंडेक्स ने 3 बार लोअर लो बनाया लेकिन एमएसडी इंडिकेटर ने 3 बार हायर लो बनाया। अगर हम डॉलर इंडेक्स को एमएसडी इंडिकेटर को और एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि 4 नवंबर 2020 को एमएसडी इंडिकेटर 0 के नीचे गया था, यानी कि एमएसडी इंडिकेटर निगेटिव हो चुका था। दोस्तों आप देख सकते हो 2 बार ये एमएसडी इंडिकेटर को 0 के पास रेजिस्टेंस फेस हुआ, और अभी ये एमएसडी इंडिकेटर 0 के ऊपर निकल रहा है,
यानी कि MACD लाइन और सिग्नल लाइन दोनों पॉजिटिव हो रहे हैं। अगर हम MACD इंडिकेटर के ऊपर ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करते हैं तो हमें पता चलता है कि 4 घंटे के चार्ट पर MACD इंडिकेटर के ऊपर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना है, जिससे ये शुक्रवार को MACD इंडिकेटर ने ब्रेकआउट दिया है। तो डॉलर इंडेक्स के 4 घंटे के चार्ट पर और डेली चार्ट पर फॉलिंग वे चैनल से ब्रेकआउट आ रहा है, उसी तरह से 4 घंटे के चार्ट पर MACD इंडिकेटर के ऊपर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न से ब्रेकआउट आ रहा है। यानी कि दोस्तों प्राइस और इंडिकेटर दोनों ये ब्रेकआउट को सपोर्ट कर रहे हैं, जो डॉलर इंडेक्स को आने वाले दिनों में ऊपर जाने के संकेत दे रहे हैं। डॉलर इंडेक्स के वीकली चार्ट के ऊपर एक हैमर कैंडल बनी है, जो एक बुलिश रिवर्सल कैंडल होती है। हमें लगता है अगले 4 महीने के अंदर डॉलर इंडेक्स यहाँ से 96 डॉलर तक ऊपर जा सकता है। इसीलिए हमें लगता है कि अगले 4 महीनों तक निफ्टी के अंदर एक बड़ी गिरावट आएगी। अगर आने वाले 4 महीने डॉलर इंडेक्स ऊपर जाने वाला है तो गोल्ड और सिल्वर के अंदर गिरावट और बढ़ेगी, या फिर गोल्ड और सिल्वर एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट करेंगे, और इसके संकेत क्लियरली आ रहे हैं। जैसे कि आपने देखा, गोल्ड के अंदर पिछले 3 दिनों में एक बड़ी गिरावट आई, उससे उल्टा डॉलर इंडेक्स के अंदर पिछले 3 दिनों में एक बड़ा उछल आया। आने वाले दिनों के लिए गोल्ड के लिए डेली चार्ट पर उसका 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज दोनों सपोर्ट का काम करेंगे। अगर गोल्ड इसे तोड़ता है तो 30 नवंबर 2020 को जो गोल्ड के डेली चार्ट के ऊपर लो लगा है, 1760 डॉलर का सपोर्ट का काम करेगा। और दोस्तों हमें लगता है आने वाले दिनों में गोल्ड इसे नहीं तोड़ेगा। उसी तरह से सिल्वर के लिए भी उसके डेली चार्ट पर 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज दोनों सपोर्ट का काम करेंगे। अगर सिल्वर इन्हें तोड़ता है तो उसका 24 सितंबर 2020 का जो लो लगा है 21.65 डॉलर का, वो सपोर्ट का काम करेगा। और हमें लगता है आने वाले दिनों में सिल्वर इसे नहीं तोड़ेगा। तो दोस्तों ये वीडियो का सारांश ये है कि डॉलर इंडेक्स क्लियरली एक ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है। तो इसी वजह से गोल्ड, सिल्वर और निफ्टी तीनों के अंदर गिरावट बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों कंफर्मेशन आने का वेट करो। गोल्ड और सिल्वर के अंदर तो कंफर्मेशन आ गया है, लेकिन निफ्टी के अंदर अभी आना बाकी है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।